आज ये एक विशेष प्रेस वार्ता में आप सबको बुलाया है। गंभीर है जो खतरा इस देश पर अब मंडरा रहा है। मुझे लगता है हम सबको, हम सब की रात की नींद हराम होनी चाहिए। मुंह में राष्ट्रवाद, बगल में छुरी। उदयपुर में हुई विभत्स घटना के संदर्भ में कल एक मीडिया ग्रुप ने एक बहुत ही सनसनीखेज खुलासा किया। जब वो खुलासा हुआ तो उसके बाद हम लोगों ने भी कुछ रिसर्च की। इस खुलासे में उदयपुर में जो कन्हैयालाल की जो जघन्य हत्या हुई थी, उसका मुख्य आरोपी रियाज अटारी, उसके संबंध भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ, उन संबंधों का यह खुलासा कल टीवी पर हम सबने देखा और फिर सोशल मीडिया पर उस पर काफी चर्चा भी हुई और उसके बाद हमने रिसर्च की और नए तथ्य सामने आए। रियाज अटारी राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता, पूर्व गृह मंत्री राज्य के गुलाब चंद कटारिया जी के अनेक कार्यक्रमों में शामिल होते थे। वो तस्वीरें आप सबके सामने आपको दी जाएंगी। फिर जब हमने रिसर्च की, क्योंकि कार्यक्रम में तो बस इतना ही बताया गया था, तो जब रिसर्च की तो फेसबुक पर भारतीय जनता पार्टी के माइनॉरिटीज प्रकोष्ठ के नेता इरशाद चैनवाला 30 नवंबर 2018, आज से 4 साल पहले, फेसबुक पोस्ट पर वो और एक और नेता है मोहम्मद ताहिर, जो अब लापता है, जिनका मोबाइल भी बंद है, जब से ये हत्याकांड हुआ तब से वो लापता है। तो इरशाद चैनवाला और मोहम्मद ताहिर के 3 फरवरी 2018, 27 अक्टूबर 2019 और 10 अगस्त 2021, 28 नवंबर 2019 के पोस्ट हम लोगों ने स्टडी किए, उसका अध्ययन किया। अब अटारी जो है, रियाज अटारी, उमरा करके वहां से कुछ पोस्ट डालते हैं, फोटो डालते हैं और उसमें बड़े स्पष्ट तौर पे यह भारतीय जनता पार्टी के नेता, मैं पढ़ के बताता हूं उन्होंने क्या पोस्ट डाला, क्योंकि हमारी ये स्क्रीन अभी नहीं चल पा रही, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में विनीत जी डाल रहे हैं। ये हमारे बीजेपी कार्यकर्ता उदयपुर राजस्थान के रियाज अटारी भाईजान ने हमारे वतन हिंदुस्तान में अमन व अमन के लिए दुआओं कर अल्लाह हमारे हिंद को सलामत रखे आमीन, ये पोस्ट डाली है मोहम्मद ताहिर, भाजपा के कार्यकर्ता हैं। मोहम्मद ताहिर कह रहे हैं रियाज अटारी के लिए कि ये हमारे भाजपा, उदयपुर भाजपा के कार्यकर्ता रियाज अटारी उमरा करने गए और देश में अमनो अमन की दुआ मांगी। इससे ज्यादा स्पष्ट क्या हो सकता। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रियाज अटारी, गुलाब चंद कटारिया पूर्व राज्य गृह मंत्री के कार्यक्रमों में लगातार शामिल होता है, भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेता अपनी फेसबुक पोस्ट में रियाज भाई, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रियाज भाई कहकर संबोधित करते हैं। ये चल क्या रहा है इस देश में, माजरा क्या है। पुलवामा में सवाल उठे थे कि 350 किलो आरडीएक्स कैसे पहुंचा, डीएसपी दविंदर सिंह का नाम हम सब जानते हैं, उसको चुपचाप से नौकरी से बाहर कर दिया, नो इंक्वायरी, कि राष्ट्रहित में नहीं है, इसके खिलाफ इंक्वायरी करना, आपको याद है। ये क्या हो रहा है इस देश में, कौन करवा रहा है ये सब। एक के बाद एक दुर्घटनाएं होती हैं, एक के बाद एक हमले होते हैं और सवाल ज्यों के त्यों, कोई जवाब नहीं, कोई उत्तर नहीं, प्रधानमंत्री चुप, गृह मंत्री चुप। इन तस्वीरों के बाद और ये बड़े महत्वपूर्ण तथ्य हम सबके सामने आए हैं। आप सोचिए, अगर ये सिर्फ तस्वीर होती तो चलिए हम सोचते कि किसी सामाजिक कार्यक्रम की तस्वीरें होंगी, होती हैं राजनीतिक दलों की, नेताओं की, लेकिन ये फेसबुक पोस्ट स्पष्ट करती है
कि रियाज अटारी कन्हैया लाल का हत्यारा, आतंकी रियाज अटारी भारतीय जनता पार्टी का सदस्य, सक्रिय सदस्य है। आज सूर्यास्त तक हम उम्मीद करते हैं कि ये तथाकथित राष्ट्रवादी पार्टी इस बात का जवाब देगी, इस देश को जवाब की इंतजार है। कल सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ बहुत गंभीर टिप्पणियां की थी। आज इन तथ्यों के उजागर होने के पश्चात उन टिप्पणियों को फिर से देखना चाहिए। और वो टिप्पणियां सिर्फ एक नुपुर शर्मा के खिलाफ नहीं थी। हु इज नुपुर शर्मा? नुपुर शर्मा का की सामाजिक पहचान भारतीय जनता पार्टी से बनी है। जब नुपुर शर्मा ने वो अल्फाज कहे पैगंबर साहब के खिलाफ, तब वो भारतीय जनता पार्टी की अधिकृत प्रवक्ता थी। उसके 10 दिन बाद तक नुपुर शर्मा भारतीय जनता पार्टी की अधिकृत प्रवक्ता थी। तो इसलिए अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय अगर नुपुर शर्मा के लिए कुछ कहता है तो वो टिप्पणियां भारतीय जनता पार्टी के लिए हैं। आखिर भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता और उसके प्रवक्ता पूरे देश में धार्मिक उन्माद का वातावरण बनाने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? यह सवाल हमारा पहला। हमारा दूसरा सवाल, क्या प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह अब भी भारतीय जनता पार्टी नेताओं द्वारा धार्मिक उन्माद को फैलाने की कोशिशों पर चुप रहेंगे? 8 साल में कब बोलते हैं ये लोग? पूरी दुनिया में जाकर पूरी दुनिया भर की बातें करवा लो मोदी जी से, करते रहेंगे, घूमते रहेंगे, बोलते रहेंगे, विपक्ष को कोसेंगे विदेशों में जाकर। और जो इनकी अपनी पार्टी के लोग, माफ कीजिएगा, आतंकी घटनाओं में शामिल हैं, इस पर चुप रहेंगे? देश चुप नहीं रहने देगा अब आपको, और अगर आप नहीं बोलेंगे तो देश बोलेगा। क्या भारतीय जनता पार्टी अपने प्रवक्ताओं एवं नेताओं के जरिए पूरे देश में आग लगाकर ध्रुवीकरण करके एक चुनावी फायदा उठाने की कोशिश कर रही है? अब तक हम ये सोचते थे कि साहब इनको चुनाव जीतने के लिए हथकंडे अपनाते हैं, लेकिन ये हथकंडे नहीं है, ये आतंकी घटना है, देश को तोड़ रहे हैं, आपस में हमें लड़वा रहे हैं। और इतने बड़े षड्यंत्र में भारतीय जनता पार्टी का एक सक्रिय सदस्य सरेआम आरोपी है, सरेआम शामिल है। आपने सबने देखा जो ही उदयपुर में यह हत्याकांड हुआ, केंद्र ने एनआईए को यह जांच सौंपने की बात की। हमारे मुख्यमंत्री ने तुरंत इसका स्वागत किया, हम सबने इसको स्वीकार किया। लेकिन अब ये नए तथ्यों के उजागर होने के पश्चात सवाल उठता है, और बड़ा गंभीर सवाल उठता है, ये हमारा आखिरी सवाल है, क्या भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने इन्हीं कारणों से डरकर जल्दबाजी में एनआईए को यह केस सौंपने का निर्णय लिया? कारण क्या था? यह सवाल, एक एक सवाल बहुत गंभीर है, क्योंकि इसमें देश की सुरक्षा, देश का एक रहना, अखंडता का सवाल आता है। और मैंने आपको पुलवामा का उदाहरण जानबूझकर दिया, आज तक जवाब नहीं मिला है। डीएसपी देवेंद्र सिंह का आज तक, माफ कीजिएगा, मीडिया ने इतना पूछने की भी हिम्मत नहीं की कि देवेंद्र सिंह के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, क्यों चुपचाप उसको नौकरी से बाहर कर दिया, और क्यों उसके ऑर्डर में है कि देश हित में यह आवश्यक है कि इनको, इनके खिलाफ कोई इंक्वायरी ना हो। वो ऑर्डर भी मैं आपको अभी साझा करता हूं, विनीत भाई मैं आपको भेज रहा हूं, वो भी इनसे आप साझा करिएगा। आपके सवाल इसी मुद्दे पर हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कांग्रेस की बात नहीं है, अब देश भारतीय जनता पार्टी से स्पष्टीकरण चाहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह मुंह खोलें, यह देश की मांग है। यह बहुत गंभीर बातें हैं। सिर्फ चित्र होना किसी सामाजिक कार्यक्रम में वो अलग बात होती है, वो हो सकता है, आप पत्रकार हैं, आपके साथ भी कोई लोग चित्र खिंचवाते हैं, अपना सेल्फी खिंचवाते हैं। यह तो और ज्यादा गंभीर है कि फेसबुक पोस्ट पे लिखा जा रहा है कि रियाज अटारी भारतीय जनता पार्टी उदयपुर के कार्यकर्ता उमरा गए, वहां उन्होंने यह सब दुआएं मांगी। आज की नहीं है यह पोस्ट, 2018-19
20, 21 ये तमाम पोस्ट मैं आपको भेज रहा हूं, यह तो जांच से मालूम होगा। लेकिन माफ कीजिएगा, वोटर की बात नहीं है यहां। फेसबुक पोस्ट पर है रियाज अटारी, भारतीय जनता पार्टी उदयपुर राजस्थान का सदस्य। इससे ज्यादा स्पष्ट और क्या चाहते हैं आप? और ये कोई आज की पोस्ट नहीं है, 2-3 साल पुरानी पोस्ट है। इसके बाद भी अगर यह सवाल उठता है कि साहब कांग्रेस सवाल क्यों उठा रही है, तो माफ कीजिएगा फिर इस देश में बहुत कुछ गलत हो रहा है। देखिए, ये देश का सवाल है, सिर्फ आरोप तक सीमित रखने की तो कोई सवाल ही नहीं उठता। माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के संज्ञान में यह तथ्य आए हैं, सरकार है वो सलाह मशविरा करके नियम कानून सम्मत कदम उठाएगी और आपको बहुत जल्दी उसकी जानकारी भी दी जाएगी। रही बात एनआईए की, तो हम यह सवाल उठा रहे हैं, अब तब नहीं उठाया था, तब स्वागत किया था अशोक गहलोत जी ने भी, और उन्होंने कहा था कि मेरी पुलिस और मेरा प्रशासन एनआईए को पूरा समर्थन देगा, पूरा सहयोग देगा, और हमने इस मंच से बैठकर एनआईए को सुपुर्द करने का स्वागत किया था। लेकिन ये नए तथ्यों के पश्चात एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि ये एनआईए का निर्णय केंद्र सरकार ने कुछ घंटों में ही लिया था, तो क्या इन तथ्यों को छिपाने के लिए लिया था? भूलिएगा मत जैनेन्द्र जी, ये वही गुलाबचंद कटारिया हैं जिनका सोहराबुद्दीन फेक एनकाउंटर में सीबीआई की चार्जशीट में भी जिक्र आया था। हम केंद्र सरकार से तो जांच की मांग नहीं कर रहे, हम केंद्र सरकार से जवाब की मांग कर रहे हैं। और रही बात जांच की, तो जैसा मैंने कहा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के संज्ञान में ये नए तथ्य आए हैं, कानून सम्मत नियम सम्मत क्या कदम उठाएंगे वो आपसे साझा किए जाएंगे बहुत जल्दी।